साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र गोदारा घाट स्थित फेरी घाट से राजमहल मानिक चक के बीच चल रहे एलसीटी जहाजों का परिचालन बीती 1 जनवरी 2021 से बंद है, जिससे लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र गोदारा घाट स्थित फेरी घाट से राजमहल मानिक चक के बीच चल रहे एलसीटी जहाजों का परिचालन बीते 1 जनवरी 2021 से बंद है। राजमहल एवं मानिक चक आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता पंकज घोष, संजय शाह, मोहम्मद इकबाल ने बताया कि राजमहल मानिक चक फेरी सेवा बंद रहने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने विगत 16 जुलाई को कोलकाता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। 2-3 बहस के बाद कोलकाता उच्च न्यायालय के पश्चिम बंगाल के मालदा डीएम को सभी पुराने टेंडरों को रद्द कर लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए लोगों ने भाजपा नेता पंकज घोष सहित अन्य लोगों को धन्यवाद दिया। राजमहल मानिकचक फेरी सेवा जो विगत 1 जनवरी 2021 से टेंडर विवाद के कारण फंसी हुई थी और मान्य कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद से राजमहल और मानिकचक के स्थानीय निवासियों को, व्यापारियों को, नाते रिश्तेदारों के यहाँ जाने वाले लोगों को, मैंने हर प्रकार के लोगों को अनेक प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण आंदोलन की रूपरेखा भी बन रही थी। लेकिन विगत हम लोगों ने 16 जुलाई को मान्य कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया था और कोविड काल में एवं ऐसे भी यहाँ के नागरिकों की समस्याओं को दर्शाते हुए मान्य न्यायालय से यह आग्रह किया था कि अविलंब फेरी सेवा को चालू कराया जाए। 21 तारीख को तीन बहस के बाद मान्य न्यायालय ने इस पर सकारात्मक फैसला देते हुए पिछले सभी विवादित टेंडरों को रद्द करते हुए पुनः नए टेंडर को फ्रेश टेंडर के रूप में करने के लिए डीएम मालदा को आदेश दिया है और अविलंब फेरी सेवा चालू करने का उन्हें निर्देश दिया है। मनोज सुंडी जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।